और मैं तो यह मानकर चलता हूं कि आप जैसे जिन लोगों ने हमारे देश की रखवाली की है, हमारे देश की चिंता की है, ऐसे लोगों की सेवा करने से ज्यादा और कोई दूसरा पुण्य का काम नहीं हो सकता, दूसरा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। यह हमारी निश्चित धारणा है। कई रिफॉर्म्स भी डिफेंस में हमारी गवर्नमेंट ने लाए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, तीनों सर्विसेज के बीच ज्वाइंटमैनशिप लाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और मैं समझता हूं शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की चर्चा तो 20-22 साल पहले भी जो चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और आप देखिए 15 अगस्त से 1.5 महीने पहले हमारी और प्रधानमंत्री जी की बात हुई और चुटकी बजाकर इस काम को पूरा कर दिया गया। आज आपके सामने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी यहां पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, भारत वेपन्स प्लेटफॉर्म एम्यूनिशंस इन सब सारी चीजों के मामले में दुनिया के दूसरे देशों पर इसकी डिपेंडेंस बराबर बनी रहती। भारत की एक पहचान, भारत की एक आइडेंटिटी सारी दुनिया में एक इंपोर्टिंग कंट्री की थी, यानी दूसरे देशों से हर चीज खरीदी है, दूसरे देशों से खरीदी है, लाई है। गवर्नमेंट बनने के साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है भारत की इमेज दुनिया में एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं होनी चाहिए बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में होनी चाहिए। और कई स्टेप्स हम लोगों ने उठाए अपने वेपन्स प्लेटफॉर्म एवल्यूशन का इंडिजनाइजेशन कैसे हो सकता है, यह सिलसिला प्रारंभ किया। आज के खुशी 4-5 दिन पहले ही एक 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिया है एचएएल को, जिसमें कि 73 ये फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में बनेगा, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, इसमें टाटा भी है, L&T भी है, वेमटेक भी है, अन्य भी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन 83 जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट जो बनेंगे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अतिरिक्त MSMEs और छोटी लगभग 500 कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, 500 कंपनीज और 50,000 मोर देन 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होने वाली है। ऐसे कुछ रिफॉर्म्स के भी इस तरफ हम लोगों ने दिए।